लेकिन क्रिमिनल लॉ के लिए कि हाथ काटने चाहिए मुसलमान के चोरी पर, उसके लिए आज तक मुसलमानों ने कभी इस तरीके का एहतजाज नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि मुसलमानों का कोई पुलिस स्टेशन देखे आप कभी? आप ऐसे मुसलमानों का पुलिस स्टेशन भी चाहिए आपको? तो ही तो होगा ना, अगर वो लॉ लाएंगे। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? कुरान कहता है कि हाँ भाई, अगर आपकी हैसियत हो तो चार बीवी रख सकते हो, ठीक है। हाँ लेकिन सही है। हिंदुस्तान का सिविल कोड कहेगा कि तुम्हारी हैसियत हो या ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक बीवी ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आप उस चीज को मानेंगे? भाई वो मजहब के अंदर क्यों दाखिल होगी सिविल कोड? आप नहीं इंडिविजुअली मानेंगे, मतलब कोई लॉ नहीं आप नहीं मानेंगे, क्योंकि मानेंगे? हाँ ठीक है, क्योंकि कुरान की अब आयत सुने सामने ना है ना। सुने ना। हाँ, कुरान की आयत है, कुरान की आयत आपके सामने और सामने है कि चोरी करने पर हाथ काट दो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इस वाले कानून को मनवाने के लिए आपने कभी गवर्नमेंट से अपील करी कि कोई भी मुसलमान चोरी करे तो उसके हाथ काटो? भाई तो जो तुम में से हुकूमत वाले हैं उसके भी अतात करो, अगर वो चोर के हाथ नहीं काटती हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चोर को तो कुछ सजा दे रही है ना, जेल में डाल रही है, सुनो कुछ भी कर सुनो रही है, तो मेरे हम भाई, तो मेरे हुकूमत भाई, की अतात कर रहे हैं। आप उसका हाथ काटो या ना काटो हमें कोई दिक्कत नहीं, जब हमें परेशानी होगी तब हम आवाज उठाएंगे। आप रुक चोर जाओ। को सजा दे, आपको अगर आप आपको चोर को बिना परेशानी, सजा दिए छोड़ दे, अरे सुनो पैजू, अगर चोर को आप सजा रुक नहीं जाओ दिए, रुक जाओ रुक जाओ चोर रुक चोरी जाओ, करे उसको तुम छोड़ कहाँ दे, जा रहे हो तब यार? मैं आवाज उठाऊंगा। अगर वो सजा दे रहे तो मैं क्यों आवाज उठाऊं? क्योंकि हुकूमत की अतात करो, मैं हुकूमत की अतात कर रहा हूँ। सजा दो आप जो मर्जी उसको सजा दो, हुकूमत के ऊपर है, मुझे अल्लाह कोई ने कौन सी मसला नहीं। सजा आप हाथ बताई है? काटे या ना काटे, अल्लाह ने कौन सी सजा बताई है? अल्लाह ताला ने जो बताई उसके बाद अल्लाह ताला ने बोली ना हुकूमत की अतात करो, बात खत्म हो गई। नहीं, अल्लाह ने सजा क्या बताई है ये बताओ। भाई तो ये तो प्रॉब्लम पूरा जड़ से खत्म करने का अल्लाह ताला ने इलाज बताई। अगर शरीयत में एक 6,000 नहीं, ऊपर ये छह एक हजार सेकेंड रुपीज एक है सेकेंड एक इंडियन सेकेंड, रुपीज 6,000 है, अल्लाह ने 6,000 सजा से क्या ऊपर की आप बताई है चोरी पहले ये तो करोगे बोल दो। ओ मेरे भाई, अल्लाह ने शरीयत सजा क्या बताओ, बताई है इस्लामिक पहले लॉ ये तो बता रहा बोलो। हूँ, तो इस्लामिक हाँ लॉ बता बताओ, रहा हूँ सुन, इस्लामिक छह लॉ हजार नहीं, से ऊपर अल्लाह की चोरी हो कुरान के अंदर क्या भाई बोला अल्लाह है? के चोरी कुरान करने पे के। क्या करो? हाँ चोरी करने पे हाथ काटना 6,000 से ऊपर की चोरी हाथ होगा काटना तो चाहिए। ये तो ओके जड़ से, ओके हाँ ओके, प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो रहा है ना। हाँ इसके बाद ओके। कोई दुनिया का कोई शख्स चोरी नहीं करेगा अगर इस्लामिक लॉ पूरी दुनिया में लागू कर दोगे तो। इसी वजह से हाँ सऊदी हाँ अरब हाँ में हाँ हाँ क्राइम अरे रेट अरे, 0% बहुत है अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब भाई, ये पूरी बताओ, दुनिया में क्राइम रेट सबसे कम सऊदी अरब। अरे तुम्हारे क्राइम को जेब में रखो ना यार। सवाल ये है कि चार बीवी की इजाजत अल्लाह ने दी, अगर आपको पे चार क्राइम पे बीवी आओ, रखने क्राइम पे आओ को यार, हाथ काटने पे नहीं आओ, बताओ। अभी ये टॉपिक था ना। नहीं मेरे बच्चे बच्चे, हम सिविल लॉ और हाँ क्रिमिनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बस क्रिमिनल लॉ पे थे ना, आपको अभी आपको क्रिमिनल हंसी लॉ आ पे रही थे है अली ना भाई, अली भाई यार, हंसी आ रही है क्रिमिनल आपको? लॉ एक पे थे काम ना, करो, अभी हंसो अभी आप चोरी से फिर पहले शादी पे यार, गए, पहले चोरी हंस लो ना यार, पे बात अली करते हैं ना। देखो, मैं बात करूंगा, बीच में तुम बात करोगे, कुछ समझ नहीं लगने, ठीक है। या तो पहले तुम बोल लो फिर मुझे बोलने दो। हाँ मैं ये आप बोल रहा बोलो। हूं, कि जिस तरीके से कुरान के अंदर अल्लाह ने चार बीवी का हक दे दिया आपको, उसी तरीके से अल्लाह ने कहा कि चोरी करने पर मर्द हो चाहे औरत हो, हाथ काट दो, सख्त जी अल्फाज जी में। आपने चार बीवी को तो कबूल कर लिया कि नहीं, हम तो चार बीवी रखने की इजाजत है हमें, अगर हमारे पास माल और दौलत होगी, हमारी हैसियत होगी तो हम रखेंगे। लेकिन कभी जी आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि अगर कोई मुसलमान चोरी करे तो उसे कुरान के मुताबिक उसके हाथ काटे जाएं, ऐसा क्यों? हिंदू चोरी करेगा उस पे भी लागू होना चाहिए भाई, हिंदू शरीयत पे चलेगा? तब इस्लामिक लॉ लाओगे तो पूरी कंट्री पे लागू करना पड़ेगा, तभी तो क्राइम खत्म होगा ना। आप न्यूज़ चैनल अच्छा, देखते हो कि आपने नहीं ये फैजू? चार बीवी रखने का जो हक है, ये हिंदू मांग रहे हैं मुसलमान मांग रहे हैं? भाई श्री कृष्णा जी मांग रहे हैं। अब मैं मोहम्मद की वो बुंड बजाऊंगा कि तू पीला पीला हो जाएगा, ठीक है। हराम जादे, अपने नबी की गुस्ताखी की वजह ना बनो। मोहम्मद की ऐसी देसी करूं मैं अली? अभी भाई ब्लास्फेमी मत अपने करो, नबी, मैं अपने ऐसे मत, नबी की अच्छा गुस्ताखी की वजह बनोगे तुम? अच्छा माँ अच्छा अभी सॉरी मोहम्मद की बुंड मारूं मैं? सॉरी, फिर मारूं? ब्लास्फेमी कर रहा हूँ, मुझसे हराम बात करो जादे, तुम यार, मुझसे बात मुझसे कर रहा बात हूं, करो, अभी गलती हो मोहम्मद की गया। बुंड ठीक मारूं मैं? ठीक है गलती हो गया, अब गलती हो मैंने क्या गया, गलत बोला? माफी मांग, तो जल्दी जल्दी माफी मांग, वरना अच्छा वो माफी ट्रोल चाहता करूंगा हूँ, मोहम्मद की और सॉरी ऐसा कि सॉरी हराम ज्यादा याद रखेगा तू।
फिर ज्यादा ब्लास्फेमी हो रहा है। मैं बोला ना ज्यादा गलती से ब्लास्फेमी नहीं हो रहा करती। है। शुरुआत किसने की है? शुरुआत किसने की है? पर क्या किया मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोला माफी, ना? जल्दी अच्छा जल्दी माफी मांग, जल्दी माफी मांग, अच्छा वरना गलत दस मैं गाली बोला दूंगा माम, मैं। सॉरी सॉरी माफी सॉरी, बोल, माफी माफ बस माफ कर दो फैजू भाई, आगे से नहीं बोलूंगा। अच्छा माफ कर दो फैजू, आगे से नहीं बोलूंगा। खुश तुम्हारे साथ भी अगर वापस यही होगा ना मेरे अच्छा बच्चे, वापस से सवाल करो, अच्छा वापस से सवाल वापस करो, से सवाल मैं करो, सवाल वापस समझा से नहीं था। सवाल करूंगा। एक काम कर यार अली, तुझे हंसी आ रही, पहले हंस ले, मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, ठीक है? भाई किधर हंस रहा हूँ? नहीं, तुझे हंसी आ रही ना मेरे भाई, पहले तू मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तू हंस ले पहले, मैं सुनता हूँ तेरी हंसी, सुनता हूँ, चल हंस। मैं किधर हंस रहा हूँ? मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं, अरे यार मेरे भाई, तुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आती, मैं हंसता। नहीं आ रही ना, आप आगे बोलो, किसी बात पे हंसी हाँ आएगी तो नहीं आ हंस रही है। दूंगा। हाँ बता, अब क्रिमिनल लॉ में आपको क्यों नहीं चाहिए? आपको मुसलमानों के चोरी पर हाथ क्यों नहीं कटवाने? आप न्यूज़ चैनल देखते हो भाई? सवाल मैं का जवाब इतना दे बार दो। देखा हूँ, हाँ जवाब दे रहा हूँ, मैं इतना बार न्यूज़ चैनल पे मुसलमान को देखा हूँ, उन्होंने बोला इस्लामिक लॉ लाओ चोरी खत्म हो जाएगी, इस्लामिक लॉ लाओ चोरी खत्म हो जाएगी। मैं तो बहुत बार देखा हूँ, इस्लाम ने बहुत बार आवाज उठाई है भाई। हर कोई जितना मुसलमान बोलता है ना, अगर इंडिया में क्राइम रेट कम करना है, अभी जैसे टॉप 10 में इंडिया का भी नाम आता है, अगर इंडिया में क्राइम रेट कम करना है तो इस्लामिक लॉ लाओ, हर मुसलमान बोलता है, आवाज उठाता है। अगर हुकूमत नहीं करती तो कोई बात नहीं, हमारा काम है आवाज उठाने का। बिल्कुल नहीं, जी अब हाँ आराम से सुनिएगा, ठीक है? जब ये पर्सनल जो बोर्ड बनाया गया था, ठीक है, कि इसके अंदर भाई हिंदुओं को क्या क्या रखना है, मुसलमानों को क्या क्या रखना है, मुसलमानों ने साफ कहा कि हमें चाहिए कि हमारी जो शरीयत हमें हक देती है, चाहे वो 3 तलाक का हो, 4 शादी का हो, ठीक है, ऊपर से और सारे कुछ इस्लामी रिवाज है, महर का हो, यही सारी चीज़ें, लेकिन कभी भी मुसलमानों ने इस चीज़ को लेकर कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अपील नहीं करी, ना पार्लियामेंट में जाकर इस बात को रखा कि इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर एक मुसलमान मर्द हो या औरत चोरी करे तो उसके हाथ काट दो। इसकी अपील आज तक नहीं की। अगर एक मुसलमान जिना करे, अगर शादीशुदा हो तो उसे रजम कर दो, पत्थर मार मार के मार डालो, आज तक अपील नहीं की, ठीक है? अगर एक मुसलमान दारू पिए तो उसे कोड़े मारो, आज तक अपील नहीं करी। बोलते जरूर हैं, अपील करना क्या होता है? जैसे आज आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना लागू करवाने के लिए अपील कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ठीक है, आप जाकर पार्लियामेंट में अपनी बात रख रहे हो, लेकिन ये क्रिमिनल लॉ के लिए आपने आज तक नहीं किया, क्यों मेरे भाई? भाई, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल हिंदू है, वो इस्लामिक लॉ लाएगा तो पूरी कंट्री पे लागू किया जाएगा ना। नहीं, इस्लामिक लॉ अपने लिए क्यों नहीं मांग रहे आप? जैसे 4 बीवी की इजाजत आप अपने लिए मांग रहे हो या हिंदुओं के लिए मांग रहे हो? क्रिमिनल जो अथॉरिटी होती नहीं, है, क्रिमिनल जो क्राइम, 4 बीवी रखने की इजाजत तुम अपने लिए मांगते हो या हिंदुओं के लिए मांगते हो? हिंदू भी रखना चाहिए कोई मुश्किल नहीं है, उनकी भी किताबों में नहीं, है। हिंदू नहीं रख सकते, वो उनके को उनके जो लॉ में इजाजत नहीं है। 4 बीवी रखने की इजाजत मुसलमान मांगता है अपने लिए, हाँ या ना? हाँ मांगता है हाँ, तो हाँ, हिंदू की शरीयत, हिंदू का कानून तो मना बोलता है कि एक शादी करो, ठीक है, अब मुसलमानों का कानून कहता है कि चोरी करने पर हाथ काट दो, इसके लिए कभी मुसलमानों ने अपील क्यों नहीं करी हिंदुस्तान के कानून से कि इसे भी ऐड भाई, किया मैंने जाए? आपको बताया, हाँ मैंने आपको बताया, अगर सियासतदान लोग अपील नहीं करे अलग, आवाम तो आवाज उठा रही है ना, मैंने तो बहुत बार नहीं देखा है, उठा रही, आवाम ने बहुत आवाज, नहीं उठा रही, मैंने बहुत बार न्यूज चैनल से लेके नहीं, अभी, एक आध से कुछ नहीं होता मेरे भाई। जिस तरीके से एहतजाज, एहतजाज क्या हो रहा है कि तमाम जितने भी मुसलमान हैं आप देख लें, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़े हैं और जाकर लेटर लिख रहे हैं, फतवे निकाल रहे हैं, बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर है वो पार्लियामेंट में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि ये गलत है, लेकिन क्रिमिनल लॉ के लिए कि हाथ काटने चाहिए मुसलमान के चोरी पर, उसके लिए आज तक मुसलमानों ने कभी इस तरीके का एहतजाज नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि मुसलमानों का कोई पुलिस स्टेशन देखे आप कभी? मुसलमानों का पुलिस स्टेशन भी चाहिए आपको? तो ही तो होगा ना, अगर वो लॉ लाएंगे तो वहां तो एक कोई अथॉरिटी इस्लामी होना चाहिए खिलाफत में जो पुलिस क्रिमिनल स्टेशन होता है?
क्रिमिनल को कोई हेलो सजा दे हेलो, सके। जी इस्लामी इस्लामी कानून में पुलिस स्टेशन होता है? सेनापति का दौर था ना, अभी तो वो नहीं है, अभी खिलाफत का दौर है, नहीं, पुलिस खिलाफत नहीं स्टेशन है होता है भाई, क्या? तो सेनापति का दौर था ना उस टाइम। नहीं, पुलिस स्टेशन होता है इस्लामी खिलाफत में? इस्लामिक अगर लॉ ये आया तो फिर लेकिन सजा लेकिन कौन मेरे दे? मान लो एक बच्चे, मुस्लिम ने मेरे चोरी छोटे किया, भाई अली क्या अली, सजा आपको एक कुछ हिंदू नहीं देगा? पता, अली अली आपको कुछ नहीं पता, ठीक है? इसलिए बोलने से पहले सोचा करो, ठीक है? पुलिस स्टेशन कहाँ से आ गया बीच में? खिलाफत में पुलिस स्टेशन होता है? फिर सजा कौन देगा आप ये बताओ। हाँ सजा कौन देगा मान लो एक भाई? मुस्लिम चोरी किया, अब उसका हाथ काटना है। शरीयत का कानून है, देखें, अल्लाह ने कहा कि जो चोरी करे उसके हाथ काट दो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौन काटेगा। इस्लामिक कानून उससे कटवाएगा, अब वो किसी से भी कटवा दे। अब आप एक एक काम करें, गैर एक कसाई मुस्लिम के पकड़े, जरिए तो ये सुने सुने नहीं, सुने सुने, एक आप एक मुस्लिम को कसाई ये हम लोग अपॉइंट अलाउ करें। कर अली सकते हैं। अली अली, मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, एक कसाई अपॉइंट करो, ठीक है? उसे हमेशा रखो भाई कि ये जाके कोर्ट में बैठा रहेगा। अब जो भी आता है फरियादी कि देखो इसने मेरा मालो दौलत चुराया है, ये मुस्लिम है, इसके हाथ काट दो, वो कसाई हाथ काट देगा। और क्या चाहिए? भाई तो कसाई अगर का बोलो भी, तो एक मैं कसाई तुम्हें एक कसाई का नंबर भी का एक देता हूँ, मेरा अदारा दो, फेवरेट कसाई है एक वो। कसाई क्यों? अभी पूरी इंडिया में बहुत सारे चलो मुसलमान दस हैं, कसाई का नंबर कसाई का देता एक हूँ, दस अदारा कसाई बनाओ भाई, अपॉइंट कर देते तुम्हारे लिए। कम से कम 20 लाख कसाई चाहिए भाई, चलो एक 20 लाख अदारा बनाओ। कसाई जैसे मैं तुम्हें पुलिस दिलवाता स्टेशन हूँ, का, सुने हाँ पुलिस सुने स्टेशन का ना, एक अदारा है, अगर उसी तरह कसाई का कोई अदारा बनाओ, फिर अच्छा, उसके बाद हम लोग। कसाई का अदारा बन जाता है हाथ काटने वाले का, तो फिर मुसलमानों के हाथ काटने चाहिए। हाँ चोरी भाई तो प्रॉब्लम तो जड़ से खत्म हो रही है, चोरी जो करे उसके हाथ काटो, चले, जिंदगी इसका तो मतलब ये दुनिया है में कोई कि चोरी करेगा ही हमारे नहीं। भाई को, अली भाई को, अब ऑडियंस के लिए, हमारे अली भाई को पूरा पूरा सरिया चाहिए। हाँ, अब अधूरा नहीं, क्योंकि इन लोगों की जो मक्कारी है, आप देख लें कि शरीयत का मतलब बस यही बचा है कि 4 शादी, 3 तलाक, मेहर, और क्या बोलते हैं, हलाला, यही शरीयत बची है। बाकी रजम की सजा, चोरी करने पर हाथ काटना, कोड़े मारना, दारू पीने पर कोड़े मारना, हिजाब ना पहनने पर कोड़े मारना, रेप की सजा के लिए 4 गवाह, इन चीजों के लिए इन्हें शरीयत नहीं चाहिए। मतलब सरिया लेना है तो आधा लेना है, पूरा नहीं लेना है। इस्लाम बस उतना ही लेना है जितने की इनके फायदे की जिस चीजों। चीज में मुझे प्रॉब्लम होगी, इस बात का जवाब दे रहा हूँ, जिस चीज में मुझे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तुम्हारी अपनी जेब में रखो, इस्लाम उतना ही लेना है जितना ये ले सकते हैं अपने फायदे के लिए, उससे ज्यादा इस्लाम नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि देखें, बीवी को तलाक देना, बैठे बैठे तलाक दे दिया, दूसरा निकाह पढ़ लिया है, या फिर अपना ये कह लो 4 बीवी रखना, ठीक है, मजे हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो भाई चाहिए, हाँ, इस्लाम हमें इजाजत देता है, लेकिन जहां पर ऐसी तैसी कर देता है इस्लाम, बुंड मार लेता है, वहां पर नहीं चाहिए इस्लाम का कानून।